आखलड़ी तेरी मेरे नाल की जी, हाय मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खिजर यातमून। आज मेरे साथ हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत स्टार गुलाब साथ हैं। गुलाब से हम बात करेंगे कि इतने दिन हो गए हैं आपके फ़ैन जो है बड़े परेशान हैं कि आपके गाने कम हो गए आना, क्या वजह है? सबसे पहले तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम। और जैसे कि फैंस पूछ रहे हैं कि मेरा गाना क्यों नहीं आ रहा, बेसिकली आप सबके प्यार ने मुझे इतना बिजी कर दिया शोज़ में, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी और दोबारा से रिकॉर्डिंग्स स्टार्ट करूँगी। तो फैन कहना ये है कि आप टिकटॉक पे तो बहुत वायरल हो रही हैं, टिकटॉक पे एक्टिव होती हैं, गाने काम कर दिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि बेसिकली रिकॉर्डिंग्स का और वीडियो तक का बहुत एक बड़ा प्रोसेस है, तो उसके लिए ज़रा टाइम निकालना ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मैं काफ़ी दूर दूर जाती हूँ प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ से फिर आना, थक जाना और फिर अगेन आपने शूटिंग करनी है, रिकॉर्डिंग्स करनी है, तो उस वजह से भी है। लेकिन अब इंशाल्लाह जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं सेट पर हूँ और आप सबके लिए न्यू सॉन्ग्स रेडी कर रहे हैं हम सब। ये कौन सा गाना है जो आज इस सेट पर आप हैं? ये आपका ही लिखा हुआ गाना है, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। और बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत इन्होंने लिखा है और इंशाल्लाह मैंने भी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। और मेरी पूरी टीम ने, नवीद चौधरी साहब ने भी बहुत अच्छी उसमें मेहनत की है, उनकी पूरी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे मेरे पहले सॉन्ग्स को पसंद करते इसको भी पसंद करेंगे। तो आने वाले वक्तों में कौन कौन से सॉन्ग आपके आ रहे हैं? भी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे फैंस को आदत है कि मेरे हर वीक वो सॉन्ग सुनते हैं, मेरे हर वीक में 2 से 3 सॉन्ग्स ज़रूर आते हैं, तो इंशाल्लाह मैं अभी वही शेड्यूल दोबारा शुरू करने लगी हूँ, तो 3 से 4 सॉन्ग इंशाल्लाह इस वीक में आएंगे। तो टिकटॉक के बारे में बात करना चाहूँगा, आज टिकटॉक भी बड़ी वायरल हो रही है, उसके क्या खास वजह है? बेसिकली मुझे टिकटॉक बनाना पसंद है और क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि डब करना पड़ता है और मुझे डायलॉग बोलने पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने सॉन्ग्स की प्रमोशन के लिए टिकटॉक वीडियोस बनाती हूँ। जैसे टिकटॉक वायरल हो रही है, आवाम ये उम्मीद लगा रही है कि आपके बान की कोई फिल्म भी साइन करने वाली है। इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी।